जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और राज्यपाल महोदय ने एक बहुत ऐतिहासिक आंकड़े हम सबके सामने रखे कि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से दुनिया के जो चार देश हैं, प्रदेश नहीं चार देश जो हैं, वही केवल उत्तर प्रदेश में आबादी की दृष्टि से आगे हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश ही प्रदेशों में सबसे नंबर वन। और उन्होंने बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बताए। जो एक बात उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमें इतने विनम्र, सुसंस्कृत और संविधान के मर्मज्ञ, यदि हम कहें तो हमारे उत्तर प्रदेश को राज्यपाल के रूप में, प्रारंभिक उद्बोधन में राष्ट्रपति जी को भारत सरकार का बताया गया। सचमुच आप सब लोग विधि वेत्ता हैं, राष्ट्रपति भारत सरकार का नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति भारत का होता है। वकीलों की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, वो घर में हो, बाहर में हो, कचहरी में हो, हर जगह उनकी एक विशेषता हमेशा आप देखेंगे। और जिस समय एसोसिएशन के अध्यक्ष जी मेरे बारे में कुछ जीवन व्रत के बारे में बीच बीच में पंच देना और बढ़ा चढ़ा करके कहना, तो मुझे कभी कभी लग रहा था कि ये सही बात तो नहीं है, लेकिन जैसे कोर्ट कचहरी में आर्गू करते हैं अपने केस के लिए, उसी लहजे में वो बात कर रहे थे। यद्यपि मैं कानपुर का हूँ, आप सबके घर का हूँ, और घर वाले के भी बारे में क्या, मुझे लगता है सब जानते हैं, उसकी बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है वो उन्होंने पूरी की। एक और मुझे खुशखबरी और सम्मान दिया आपके एसोसिएशन ने कि आजीवन मुझे सदस्यता दे दी, उसके लिए मैं एक और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप सब समझते हैं मैं संवैधानिक पद पर हूँ, और उस संवैधानिक पद के नाते आई हैव टेकन द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अनुसार मेरा किसी भी संस्था, किसी भी एनजीओ, किसी भी सरकार अथवा किसी भी पद पर रहना वाजिब नहीं है। और इसीलिए जो मेरी वकालत की जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो मैं सरेंडर कर चुका हूँ। मेरा किसी भी संस्था से कोई ताल्लुकात नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान की एक मर्यादा है, और यदि मैं आपके एसोसिएशन से एसोसिएट हो जाता हूँ तो न केवल संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होगा बल्कि कहीं ना कहीं इसमें यह भी होगा कि मैं जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता का त्याग पत्र दे चुका हूं तो फिर किसी भी बार एसोसिएशन की सदस्यता को स्वीकार करना औचित्य नहीं है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक, मैं आपने जो मुझे ऑफर दी है मैं उसको वापस कर रहा हूं। और एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी, आप सबके बीच में वकील समाज को एक दिशा देते। आज जो मैंने आप सबके बीच में देखा, जब राष्ट्रगीत हो रहा था तो उसको सभी लोगों ने राष्ट्रगीत को सम्मान देते हुए एक स्वर में गाया, और ये परंपरा मैं बहुत कम देखता हूं। मैं चूंकि एक पद से जुड़ा हूं इसलिए स्वाभाविक है कहीं पर भी जाता हूं तो कार्यक्रम के प्रारंभ में और कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगीत होता है। लेकिन एक चीज इसका मैं कहने का मुझे साहस इसलिए हुआ, अभी मैं पिछले करीब लगभग 8-9 महीने के दौरान मेरी 12 विदेशी राज्यों की विदेशों में
स्टेट्स में मेरा दौरा हुआ, मैंने हर जगह पाया कि जहां पर नेशनल एंथम हमारा भारत का होता था वहां पर उनका भी नेशनल एंथम होता था। क्योंकि मैं उनका मुख्य अतिथि होता था तो पहले भारत का राष्ट्रगीत होता था, तो भारत का राष्ट्रगीत गाने वाले तो केवल एक हम है और कुछ हमारे जो अधिकारी साथ में जाते हैं उनकी संख्या 50-60 की होगी, वो सब लोग होते हैं वहां पर। अगर इंडियन डायस्पोरा है तो वो लोग होते हैं, सब लोग गाते हैं, लेकिन एक जिसको हम कहते हैं कि स्वर से नहीं गाते हैं बल्कि लगता है कि हाँ उनके ओंठों पर कुछ निकल रहा। लेकिन जब उनका राष्ट्रगीत होता है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आज आप सब लोगों ने गाया, और इससे एक जो भावना प्रकट होती है राष्ट्र गीत के प्रति जो सम्मान होता है वो सम्मान झलकता है, उसका प्रदर्शन होता है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं चाहूंगा जब मैंने ये बात कही कि आप सब लोग समाज को कई नई नई दिशाएं देते हैं तो मुझे लगता है ये दिशा ये परंपरा आप इसको आगे बढ़ाएं। कानपुर बार एसोसिएशन तथा लायर्स एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए जब मैं ये कहता हूँ कि देश का हर नागरिक मेरे लिए बराबर है तो उसमें वकीलों में भी मैं किसी प्रकार की भिन्नता नहीं रख सकता, और मेरे लिए हर वकील कानपुर का वकील हो या पांडिचेरी का हो या तमिलनाडु का हो या अमृतसर का हो, मेरे लिए हर वकील बराबर है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आज एक अधिवक्ताओं को समर्पित सभागार के निर्माण का शिलान्यास भी करने का मुझे अवसर मिला। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कानपुर का क्षेत्र मेरे लिए जाना पहचाना है, लगभग 10-12 वर्ष मैंने यहाँ बिताए अपने छात्र जीवन के, और यहाँ आते हैं तो बहुत सारी स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं, सड़कें याद आ जाती हैं, कचहरी की कई पगडंडियाँ यहाँ पर भी आते जाते थे, खूब आते थे। डीएवी कॉलेज नज़दीक था, बीएनएसडी कॉलेज रहा हो, डीवी कॉलेज में के हॉस्टल में मैं रहता था, तो यहाँ पर स्वाभाविक है आखिर अगर आप इवनिंग स्ट्रोल के लिए भी निकलेंगे तब भी कचहरी के बिना पार किए हुए आप कहीं नहीं जा सकते, वो चाहे सरसरिया घाट जाना हो या फिर फूलबाग तक जाना हो। कानपुर विश्वविद्यालय से जैसा बताया गया कि मेरे बीकॉम और दयानंद कॉलेज अपना से एलएलबी, उसके बाद दिल्ली बार काउंसिल की सदस्यता और फिर वकालत, अधिवक्ता के दायित्व के बोध ने मुझे व्यक्तिगत सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया। पहले बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करने और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने के दायित्व को निभाने में मुझे जो अधिवक्ता के काम करने का जो अनुभव रहा है, जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रही थी अधिवक्ता के दायित्व का सही मायने में, वो मुझे उससे बहुत सहायता मिली और आज भी मिल रही है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यदि मैं वकालत न करता होता और उस बैकग्राउंड से ना आता तो शायद आज के कठिन दौर में जिस परिस्थितियों में राज्यपाल का दायित्व होता है सिमिलरली, वही थोड़ा स्केल का केवल फर्क है, तो वो यदि राष्ट्रपति के दायित्व को निभाने में काफ़ी कठिनाइयां आती हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैटर्स आते हैं तो उनको एक बिल्कुल कोई जब ब्रीफिंग करता है तो उनको टिप्स पर जैसे जिस प्रकार से पकड़ लेना होता उस प्रकार की समझ आ गई है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है और इसमें क्या खामी हो सकती है या जो हमारा संविधान क्या कहता है उसकी बातें आ जाती है। मेरे सभी मित्रों, वकालत एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत नोबल। समाज के दो ही प्रोफेशन है, एक वकीलों का और एक डॉक्टरों का, और आपने देखा होगा इसके प्रोफेशन कहा जाता है।
एवोकेशन नहीं कहा जाता, अंग्रेजी में दो शब्द अलग अलग है। एवोकेशन का मतलब है कि जो जीव को उपार्जन का जरिया होता है, और वो भी नोबल प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं, हमारी भी होते हैं, वकीलों के भी होते हैं और डॉक्टर्स की भी होते हैं। ये प्रोफेशनल एथिक्स या कहीं पर भी एवोकेशन की यदि बात करें तो एवोकेशन एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर मॉरलिटी की तो बात होती है लेकिन एथिक्स की बात नहीं। एथिक्स जो है दैट इज ए लिटिल बिट हायर देन द मॉरलिटी। इस प्रोफेशन में लोगों को सहायता पहुंचाने तथा समाज हित में योगदान देने को प्राथमिकता देने के बहुत अवसर मिलते हैं। प्रत्येक अधिवक्ता न्यायालय प्रणाली का एक आवश्यक अंग होता है, इसीलिए उसे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। इस व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हर अधिवक्ता न्यायालय का मित्र है, यही नहीं वो संपूर्ण न्याय व्यवस्था का और पूरे समाज का भी मित्र है। अपना प्रयास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस पर कोई बिल्कुल हूबहू चल सके, लेकिन प्रयास, और प्रयास हमें ये करना चाहिए कि न्याय दिलाने के लिए हम मुकदमा लड़ें। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता जीव को उपार्जन के लिए ना हो। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा। और इसको मैं कहता हूं कि जब मैं कभी कभी कहता हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण का काम उसका उसकी परिभाषा में यही कहता हूं कि जो दायित्व है उस दायित्व से ऊपर यदि आप सोचते हैं कि इसका हित, सार्वजनिक हित, जो काम हम कर रहे हैं इससे कितने लोगों को फायदा होने वाला है, वही आप राष्ट्रहित की बात होती है। और इसलिए मैं हर वर्ग को कहता हूं कि यदि आप राष्ट्र हित के ध्यान में रखते हुए जो काम करेंगे, आपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप भी सब राष्ट्र निर्माता हैं। राष्ट्र निर्माता बहुत बड़ी चीज है। और वकील, वकील चाहे अपना आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो, राइट फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल, आपने देखा होगा जितने भी हुए गांधी जी से लेकर, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, न जाने कितने लोग हुए। यदि इस देश को यदि मार्गदर्शन मिला है तो हमें इसी कम्युनिटी से मिला, इसी फ्रेटर्निटी से मिला है, और आप सब लोग उन सबकी विरासत है। उस विरासत के बारे में कभी कभी हम लोग, कभी कभी नहीं, मैं तो कहता हूं कि सदैव उसका ध्यान रखें हम लोग। वकालत पेशे के व्यापक प्रभाव के कारण विश्व के अनेक प्रमुख देशों में अधिवक्ताओं ने अपने समाज और देश को नेतृत्व प्रदान किया। जैसे कि मैं अभी आप सबसे चर्चा कर रहा था, भारत के आधुनिक इतिहास में अधिवक्ताओं की निर्णायक भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई हो और समाज सुधार, आज सभी क्षेत्रों में वकीलों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कानपुर की हम बात करें, राय बहादुर विक्रमाजीत सिंह बैरिस्टर थे, अधिवक्ताओं की उसी परंपरा में से थे। उन्होंने वकालत के अलावा राजनीति, समाज और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। उनके द्वारा स्थापित किए गए ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल द्वारा बीएनएसडी कॉलेज की स्थापना की गई, जहां का मैं विद्यार्थी भी रहा हूं। इसी महामंडल ने विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना भी की। इसी वर्ष फरवरी में मुझे एक अवसर मिला था उस कॉलेज के परिसर में विधि भवन का लोकार्पण करने का, जहां पर मुझे लगा कि अधिवक्ताओं की जो अगली पीढ़ी है वो वहां पर तैयार होगी। एक अधिवक्ता के रूप में मैंने गरीब लोगों के न्याय व्यवस्था से जुड़े संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। सामान्य नागरिकों को न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, आज भी भरोसा है, लेकिन जब वो कचहरी के दरवाजे पर आते हैं, उनको उनके पैर मजबूती से खड़े नहीं होते, न्याय पाने में विलंब होता है। जिनके माध्यम से हम जाते हैं, वकीलों के माध्यम से,
उनको जो एक रिसेप्टिविटी मिलना चाहिए, और पहले से ही एक जो हमारा पारस्परिक विश्वास है, पारस्परिक विश्वास क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में नहीं हो पाता है, उसकी कमी है। और उस कमी से पूरी कम्युनिटी, पूरी एडवोकेट्स की जो कम्युनिटी है उस पर उसको रिफ्लेक्ट करती है। इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को विचार करना चाहिए। ये हम ना समझे कि हमारी जिंदगी कट जाएगी, हम उस पीढ़ी को आगे की, हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, वकीलों की पीढ़ी, उनके लिए हम क्या देके जा रहे हैं, कुछ हम क्या उनके लिए एक मापदंड देके जा रहे हैं, इस पर भी हमें कभी कभी मंथन करते रहना चाहिए। गरीब आदमी न्यायालय की चौखट पर जाने से बचता है, ये स्थिति बदलने की आवश्यकता है, और उसके लिए जरूरत है आप सबके सहयोग की। आप करेंगे, क्योंकि जब न्यायालय की चौखट के पहुंचने के पहले उसकी सबसे पहले मुलाकात वकील से होती है। वकीलों के जो चैम्बर होते हैं, आप कानपुर का उदाहरण ले लीजिए, किसी भी न्यायाधीश का जो न्यायालय होता है बहुत अंदर की तरफ होता है, सबसे पहले वकीलों से मुलाकात होती है, और इसलिए उसको विश्वास में लेने की जरूरत है और इस स्थिति को बदलाव करना है। हमें ऐसा एक माहौल बनाना है कि समय से न्याय मिले, न्याय प्रक्रिया में होने वाला खर्च कम हो, निर्णय की भाषा सामान्य आदमी की समझ में आए, और महिलाओं तथा कमजोर वर्ग के लोगों को सुगमता से न्याय। गरीब न्याय प्रार्थियों के लिए लंबा समय लेने वाली न्याय प्रक्रिया का बोझ असहनीय होता है, और वो हर बार आता है जो न्याय पाने के लिए आप सबके माध्यम से उसकी एक मृग तृष्णा होती है, और वो सोचता है कि शायद आज हम जब जा रहे हैं कचहरी में तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, और दोपहर के बाद जब उसको लगता है, पता लगता है कि आज का हमारा मुकदमा जो है मुलतवी, मुलतवी कहते हैं ना, एडजर्न, एडजर्न हो गया है, शायद उसके दुख की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके जो अपने मुवक्किल की करनी होगी, और उसके लिए हम बाधक ना बने। मजबूरी हो, मजबूरी सबके सामने आती है, लेकिन जब कभी हम लोग कुछ जानबूझ करके करते हैं, कहीं न कहीं, या दोनों पार्टीज के वकील मिलकर के करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो मुवक्किल है वो समझ नहीं पाता है, वो दोनों समझ जाते हैं आपस में, और बाहर जब निकलते हैं तो उनकी राय मुकदमे के बारे में अलग-अलग है, दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन इस बात को लेकर के वो दोनों एक हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि आज हमारे वकील साहब ने भी ढीला ढाली की, दूसरा कहता है हमारे उसने भी की। कहीं ना कहीं इस पे हमें थोड़ा सा एक पुनर्विचार, क्योंकि जिस दुनिया में हम जीते हैं, कम से कम हम उनके, जिनसे कि जिनके माध्यम से यदि हम कह सकते हैं कि वो हमारा भेष है, यदि न्याय पाने वाले यदि कोर्ट में ना आए तो वकीलों की क्या जरूरत है, न्याय पाने वाले यदि न्यायालय में ना आए तो न्यायाधीशों की क्या जरूरत है। तो इसलिए वो तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग है, न्याय पाने वाले, इसलिए उनकी जो वेदना है, उनकी जो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। एक अध्ययन जो आया है, सरकारी अध्ययन, उसके अनुसार निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पूरे देश में 3 करोड़ से भी अधिक मामले पेंडिंग हैं। इनमें से 6 लाख ऐसे मामले हैं जो 10 साल से भी अधिक समय से चल रहे हैं। अनेक राज्यों में निचली अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लक्ष्य तय किए गए हैं। मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश में भी नियति अवधि में ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे न्यायपरक लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में आप सब बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही है, मेरी इस संबंध में पेंडेंसी के बारे में चीफ जस्टिस साहब से 2-3 बार बात हुई, और वो काफी प्रोएक्टिव है, मुझे खुशी हुई उन्होंने जो डेटाज हमें दिए,
और वो जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके इन प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ। देखो उनके प्रयासों में हम सबको मिलकर के सहयोग देना है। एक अधिवक्ता के रूप में एक मेरा और अनुभव आया कि वैकल्पिक न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने से सामान्य नागरिकों को बहुत लाभ होता है। मुझे प्रसन्नता है कि लोक अदालतों और मीडिएशन सेंटर्स के जरिए मामलों को सुलझाने में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने मिलकर उत्साह दिखाया। ऐसा करने से न्याय प्रक्रिया में लगने वाले समय और पैसे दोनों की बचत होती है, साथ ही लंबित मामलों की संख्या भी कम होती है। सामान्य पृष्ठभूमि से वकालत के क्षेत्र में आने वाले युवाओं के लिए आरंभिक समय कठिन संघर्ष का होता है। ऐसे नव आगंतुक अधिवक्ताओं की सहायता के लिए एसोसिएशन द्वारा क्या-क्या किया जा सकता है, इस दिशा में भी आप सभी सोच सकते हैं और आवश्यक कदम भी उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो आप कदम उठाएंगे उसमें आपको न्यायालय और आपके सरकार दोनों आपकी इसमें मदद करेंगे। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच अच्छे तालमेल से जस्टिस डिलीवरी बेहतर होती है। इस संदर्भ में बार एसोसिएशन की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के अधिवक्ताओं की दोनों एसोसिएशंस के द्वारा हमारी न्याय व्यवस्था के इस पक्ष को और मजबूत बनाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिला न्यायालयों में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल करने तथा न्याय प्रक्रिया से विरत होने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसी घटनाएं न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। सभी बार एसोसिएशंस का ये प्रयास होना चाहिए कि यथासंभव ऐसी बाधाओं से हमें मुक्ति मिले। किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह न्यायपालिका की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने से सहायता मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया लिम्स अर्थात लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में ई कोर्ट्स की स्थापना की गई है। जिला न्यायालयों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के द्वारा न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों को सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से भी न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। बार एसोसिएशन की सुविधाओं में सुधार होने से अधिवक्ताओं का वर्किंग एटमॉस्फियर बेहतर होता है। ये कहा जा सकता है कि हमारी न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का दारोमदार सबसे अधिक आप सभी अधिवक्ताओं पर है। और यदि अधिवक्ता सब मिलकर के इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं और सरकार, विधि मंत्री, और मैं तो कहूंगा कि इन सबसे मिलकर के मिलने के साथ साथ आप राज्यपाल महोदय से भी मिले, आप बहुत एक चैनल आपको पूरा मिल जाता है, उसका उस चैनल का पूरा पूरा आप उपयोग करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए सभागार के निर्माण से आप सभी अधिवक्ताओं को बहुत कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी। सभी जो हमारे वादकारी हैं, खासकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वादकारियों एवं महिलाओं के हित को आप सभी प्राथमिकता से महत्व देंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने कुछ लिखित में भी बोला, कुछ एक्सटेम्पोर भी बोला, लेकिन अपने घर में था और आप सबके बीच में था, तो मुझे लगा कि जब आप सबके बीच में बोल रहा था तो मेरे कुछ अपने अनुभव भी थे, उनको मैंने शेयर किया। और शेयर इसलिए किया क्योंकि आप एक इनलाइटेंड इनलाइटेंड क्लास ऑफ द सोसाइटी, इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये जो आपको ईश्वर की कृपा से या आपके परिवार माँ बाप की कृपा से या आपके परिश्रम से जो ये आपको श्रेणी प्राप्त हुई है इनलाइटेंड क्लास की, उसको आप मेंटेन रखें,
मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।